आप सभी को नमस्कार। प्रज्ञा मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस लहंगे में गोटा पत्ती लगाना और इस लहंगे की सिलाई बताऊंगी। कॉटन का कपड़ा लिया है 7 मीटर। लहंगे की लंबाई है हमारी 38 इंच, तो मैं इसके पैना 38 इंच में ही निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके पैना निकालूंगी 38 इंच में, इसको नाप के और 38 इंच में इसको फोल्ड कर लूंगी। 38 इंच में इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद में मैं इसमें से कली काट लूंगी। कली काटना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। एक निशान 7 पे लगाऊंगी और दूसरा लगाऊंगी मैं 14 पे, और दोनों का आपस में मिला लूंगी। ये मैंने कलियां काट के निशान लगा लिया है, अब मैं इसको काट लूंगी। ये मैंने कलियां काट ली है। अब इन सबको जो जॉइंट है सबको अलग अलग कर लूंगी काट के। अब इन कलियों को मैं जोड़ लूंगी। जोड़ते समय एक बात ध्यान रखनी है, एक हिस्सा तो हमें कलियां जो जोड़ेंगे तब एक हिस्सा तो सीधा वाला लेना है, एक हिस्सा जोड़ना है हमें तिरछा वाला। इस तरह से हम सारी कलियों को जोड़ लेंगे। अब मैं इसमें पट्टा लगाऊंगी, नीचे मगजी नहीं लगाऊंगी, इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टा लगाऊंगी। तो मैंने उसके लिए ये कपड़ा लिया है लाल कलर का 2 मीटर। इसमें 5.5 इंच की मैं पट्टियां निकाल लूंगी। 5.5 इंच में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी पट्टियां निकाल लूंगी। 6 मीटर कपड़े में हमारे पट्टे के लिए जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा हमारा 2 मीटर कपड़ा। मैंने ये सारी कलियां जोड़ ली है। अब पट्टा हम इस तरह से लगाएंगे, कलियां जोड़ेंगे जब एक कोना निकलेगा हमारा, एक सीधी और एक तिरछी जोड़ेंगे तब, तो पट्टा हम इस तरह से लगाएंगे। इस कोने पे रखेंगे इस कपड़े को, अब हम इसको इस कोना पे रखेंगे सीधा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको निकाल देंगे। इस तरह से हम पट्टी लगाएंगे तो हमारे जो नीचे है लहंगा एकदम गोल बनेगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा लहंगा। ये जो और यहाँ दिखाई, तो हम यहाँ रख के दबा के इसको और इसमें सीधा यहाँ पकड़ेंगे, जो कॉर्नर निकल रहा है इसको इस तरह से लगाएंगे। मशीन भी हम इसी तरह से लगाते हैं, और इस जो कपड़ा लगाएंगे इसको भी हम इस तरह से लगाएंगे। ये मैं सिर्फ ये इस जगह पकड़ूंगी, तो एक्स्ट्रा नेक लगा इस जगह पकड़ूंगी, मैं एक माप पकड़ूंगी और एक सीधा यहाँ पकड़ूंगी। मैंने इसमें ये पट्टे जोड़ लिए, ये मैंने ये पट्टे का कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। चलो, मैंने ये पट्टे जोड़ लिए, मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसके ऊपर हम सीधी ही इतना सा निकाल लेंगे इसमें। इस तरह से हम थोड़ा सा निकाल देंगे पाइपिंग की इस तरह, और इसके ऊपर रख के हम लेस लगाएंगे। ऊपर से लगा लेस को हम ऊपर से भी लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। सिलाई हमको दो ही लगानी है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तभी हमारी लेस अच्छे से लगेगी, क्योंकि ये लेस 1 इंच की है। और रेड भी ब्लैक
दुपट्टे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी। मैंने इस लेस पे दोनों सिलाई कर ली है। पट्टा लगाएंगे हम तो ये जहाँ भी हमें लगे कि इसमें झोल आ रहा है तो भाई हम छोटी सी सर लगा देंगे, इसमें छोटी छोटी सी सर लगाते चलेंगे हम तो इसमें झोल नहीं आएगा और एकदम अच्छे से लगेगा। इस तरह से फोल्ड करते चलेंगे हम इसको, इसमें छोटी छोटी सी सल बनाते हुए चलेंगे और हमारा पट्टा एकदम से साफ लगेगा। जहां हमें लगे कि झोल आ रहा है हमारे पट्टे पे तो हम उसमें छोटी छोटी सी सल लगा देंगे। इस लेस के ऊपर हम ये गोटा लगाएंगे पतली सी, तो इसको हम खींच के लगाएंगे दोनों तरफ से, दोनों तरफ से खींच के लगाएंगे तो इसमें से बीच में से धागा नहीं निकलेगा। इस तरह से दो पीछे से भी और आगे से खींच के लगाएंगे इसमें से, तो ये सूंड से इसमें ये गोटा इसमें से धागा नहीं खींचेगा और सफाई से लगेगा। इस तरह लगाएंगे तो अब हम इसके ऊपर ये पत्तियां हैं उनको चिपकाएंगे फूल को, तीन तीन इंची की गैप पे लगाएंगे हम इसको, एक एक सिलाई लगाएंगे ऐसे ही पहले पत्ता करने के लिए, इसमें एक एक सिलाई लगाएंगे। और इनको सिलने के लिए मैं जो धागा यूज ले रही हूँ वो है वो पिको वाला धागा आता है पानी वाला धागा, वो यूज ले रही हूँ, तो इस लहंगे पे भी नहीं दिखेगा और उन पत्तियों के ऊपर भी हम सिलाई करेंगे तब ये वो धागा दिखेगा नहीं। एक एक सिलाई लगाते हुए चलेंगे हम इसके ऊपर, तीन तीन इंची पे लगाएंगे हम ये फूल। इसके ऊपर हम इस नीचे लगाए इसी तरह से ऊपर लगा देंगे और लगाने के बाद में नीचे लगा देंगे। बंद कर लेता हूँ तो मैं इनको पक्का कर रही हूँ। और जो हमने पत्तियों पर हमने एक ही सिलाई की थी अब हम इसको पक्का करते हुए चलेंगे। चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी उखड़ेगी नहीं। अब देखो अब चारों तरफ से ये चिपक गई है। दोनों तरफ से हम इस समोसा वाली लेस को
लगा देंगे और जो पत्ते अकड़ रही है इनको हम पक्का करते हुए चलेंगे। इस तरह हमारे गोटा पत्ती वाले लहंगे का नया डिजाइन बन के तैयार हो गया है।